हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में बात करेंगे यार प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड का, सॉरी प्रॉमिस डॉट एनी मेथड का प्रॉमिस एपीआई के अंदर। तो इसका क्या काम होता है और क्यों हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अपना नोट पैड, तो देखते हैं यहाँ पे मैं सिंपली अपना नोट पैड ओपन करूंगा। नोट पैड ओपन करने के बाद एपिक पेन ओपन करूंगा एंड पेन ब्लू एंड पेन, ठीक है। तो जैसा कि यार हम लोग पिछले 3 वीडियो में देख रहे हैं, जो एग्जांपल ले रहे हैं यार कि भाई हम लोग के पास P1 है, जैसे हम लोग के पास P2 है, हम लोग के पास P3 है, मतलब कुछ प्रोमिसेज हम लोग के पास, ठीक है, जो हम लोग प्रोमिस यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। तो हम लोग के पास क्या है, कुछ प्रोमिसेज हैं एंड ये प्रोमिसेज जो है वो क्या हो रहा है, ये प्रोमिसेज लगा रहा है अपना कोई टाइम जो कि कॉन्स्टेंट नहीं है, जो कि हम लोग को नहीं पता। ये अपना कुछ क्या लगा रहा है, ये अपना एग्जीक्यूट होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा रहा है। तो हमें फाइंड करना है यार कि पहला जो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, हमें उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आपको यहाँ पे जब अगर फाइंड करना है सबसे पहला प्रोमिस के बारे में, तो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा क्या, आप लोगों को यूज करना पड़ेगा प्रोमिस डॉट रेस मेथड का, ठीक है। आप क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोमिस डॉट रेस मेथड का। प्रॉमिस डॉट रेस, लेकिन इसके साथ ना यार एक प्रॉब्लम है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये आपको तभी बताएगा, ये आपको तभी बेसिकली फर्स्ट आप बोल सकते हो कि जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो भाई तभी बताएगा जब जो वैल्यू है उसका वो रिजॉल्व हो रहा होगा। अगर वो रिजेक्ट हो रहा होगा तब वो आपको बेसिकली उसका वैल्यू नहीं बताएगा, ठीक है। तो मान लो यार कि मेरा P1 वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉमिस डॉट रेस है ना, वो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वर्क नहीं करे, नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि ये जो है वो अब जो है वो एरर थ्रो करेगा, आप लोग वहां पे इसको यूज नहीं कर पाओगे। आप लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्रॉमिस डॉट एनी मेथड का। अब प्रॉमिस डॉट एनी क्या करेगा यार, प्रॉमिस डॉट एनी बेसिकली ये नहीं देखेगा कि रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, इसको बस ये मतलब है कि भाई मेरे को कैसे भी पहला रिजॉल्व वैल्यू मिल जाए बस, ठीक है। ये नहीं देख रहा है कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भाई मेरे को पहला जो सबसे पहला रिजॉल्व वैल्यू मिलेगा मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ये होता है प्रॉमिस डॉट एनी का काम। अब इसको देखते हैं यार कोड में, तो इसको बंद करते हैं यहाँ पे एंड अपना करते हैं ओपन जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर। इसको ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर, तो सो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड करके इसको सिंपली वीएस कोड में ओपन करते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोमिसेस बनाते हैं, जैसे लेट लेट P1 इक्वल टू न्यू प्रोमिस, यानी ये प्रोमिस रिजॉल्व हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। एंड रिजॉल्व रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेट टाइम आउट हमारा होगा, जो हमारा सेट टाइम आउट होगा, टाइम इंटरवल मैं 2 सेकेंड देता हूँ एंड इसमें देता हूँ कि जो रिजॉल्व वैल्यू है वो क्या है, वो है value 1, मतलब value 1 के साथ ही क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है। एंड सिंपली मैं ऐसा ही कुछ और भी बना देता हूँ, तो ये P1 नहीं P2 कर देता हूँ एंड इसको P3 कर देता हूँ एंड value 2 कर देता हूँ, और यही करने के बाद इसको मैं 4 सेकेंड देता हूँ एंड P3 इसको कर दिया, value 3 कर देता हूँ और फिर इसको 3 सेकेंड कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं सबसे पहले बताता हूँ यार कि जब जो वैल्यू है आपका वो क्या हो रहा होगा, रिजेक्ट हो रहा होगा। तो मैं लिख देता हूँ लेट रिजल्ट, मेरा जो रिजल्ट रिजल्टेड प्रॉमिस यहाँ पे मिलने वाला है उसको मैं रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉमिस डॉट रेस मेथड का, कहाँ गया रेस, प्रॉमिस डॉट रेस एंड सिंपली मैं इसमें P1 P2 P3 देता हूँ एंड इतने करने के बाद मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट 10 एंड मुझे जो डेटा मिलेगा यहाँ पे उसको
इसको मैं सिंपली स्टोर करूंगा और फिर मैं कंसोल रोल आउट कर दूंगा डेटा को। ठीक है, ये करने के बाद मैं सिंपली प्रोग्राम को रन करूंगा एंड अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली क्या हो जाना चाहिए, रन हो जाना चाहिए विद द वैल्यू ऑफ वन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू वन जो कि सिर्फ 2 सेकेंड लगा रहा है एंड ये क्या हो जा रहा है, रिजॉल्व हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट कर दूँ तो क्या होता है देखते हैं, रिलोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें वैल्यू वन मिल जा रहा है। वैल्यू वन क्यों मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहला प्रॉमिस कौन सा रिजोल्व हो रहा है भाई, पी वन रिजोल्व हो रहा है। सबसे पहला प्रॉमिस क्या हो रहा है, पी वन रिजोल्व हो रहा है। तो इसको रिजोल्व करके ये प्रॉमिस फिर काम अपना बंद कर दे रहा है, तो और कोई प्रॉमिस रिजेक्ट हो जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, बट पहला ही प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो जा रहा है तो इसको बहुत दिक्कत है भाई। देखो रिलोड करूंगा, एरर आ जाएगा जैसा आप देख सकते हो कि वैल्यू वन जो है भाई क्योंकि वो एक एरर है, एरर में मैंने वैल्यू वन दे दिया है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये बेसिकली मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है। तो इसी को इसी से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे रेस की जगह यूज करते हैं एनी मेथड का एंड सिंपली हम लोग प्रॉमिस डॉट एनी लिख देंगे एंड आफ्टर 3 सेकेंड मुझे वैल्यू वन मिल जाएगा, क्योंकि ये तो भाई रिजेक्ट ही हो गया अब, तो इसको तो ये इग्नोर मारेगा। उसके बाद ये 3 सेकेंड बाद ये वाला चलेगा, तो ये चलेगा एंड ये रिजोल्व हो जाएगा। तो रिजोल्व जो वैल्यू के साथ हुआ उसको वह प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे वैल्यू 3 जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप यार अब बेसिकली ये चीज आप लोग समझ गए होगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बाकी जो रिए का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर देना चैनल पे जाके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।